हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल आज की इस वीडियो में हम बीएड सेमेस्टर वन जम्मू यूनिवर्सिटी का कोर्स नंबर वन जीरो थ्री डिस्कस करेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट नंबर थ्री यूनिट नंबर वन एंड टू ऑलरेडी अपलोडेड है एंड कोर्स नंबर वन जीरो वन वन जीरो टू एंड वन जीरो फोर के नोट्स भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो कोई भी कंटेंट अपलोड हो आप को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ जाएं तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से और समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म होता है कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज को बनाना किसी चीज को खुद ठीक है तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी है जिसमें जो लर्नर होता है खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है किसी एक्सपीरियंस के थ्रू किसी इंटरेक्शन के थ्रू किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू मतलब खुद से नॉलेज सीखता है खुद से नॉलेज क्रिएट करता है किसी चीजों को देखने के द्वारा अब हमारे पास दो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्यूरीज है जो एक हमारी जॉन डेब्यू ने दी है और एक प्याजे ने दी है ठीक है जेन प्याजे ने तो चलिए हम जॉन डेब्यू की थ्योरी को सबसे पहले समझते हैं तो जॉन डेब्यू ने कहा कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू द लैंग्वेज लर्निंग वी हैव टू डू लर्न द थिंग्स बाय डूइंग ठीक है हमें एम्फेसाइज क्या करना है लर्निंग बाय डूइंग पे हमें लैंग्वेज कैसे सीखनी है लर्निंग बाय डूइंग से वो मानते थे कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस या सोशल इंट्रेक्शन से जल्दी सीखी जाती है अगर हम कहते हैं आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्या करो रोज लैंग्वेज बोलना शुरू कर दो अपने रियल लाइफ में लेके आना शुरू कर दो तो आप जल्दी किसी चीज को सीख लोगे तो उनका मानना ये था वो कहते थे कि एजुकेशन सिर्फ एक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है बट कि उसको क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में यूज़ करना एक्टिव एंगेजमेंट करना एनवायरनमेंट के साथ भी हमारी एजुकेशन है तो एजुकेशन का काम सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है उसको आप अपनी रियलिटी में कैसे यूज करोगे वो भी मैटर करता है उनके कुछ थ्योरीज के फीचर थे जैसे कि उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू होनी चाहिए नेक्स्ट उनका पॉइंट ये था कि जो कम्युनिकेशन है या फिर कोलेबोरेन के थ्रू हमें सोशल

और जो एजुकेशन है वो एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है तो कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ भी आनी चाहिए और जो लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए ना कि टीचर सेंटर बच्चे के इंटरेस्ट बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग लर्निंग चलनी चाहिए अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस की तो एडवांटेज ये कहती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अंगेज होते हैं जब लर्निंग रेलिवेंट होती है उनके लाइफ के साथ अगर आपकी लाइफ के साथ हम कोई चीज़ पढ़ाएं तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सीखोगे और नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग वो कहते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो हमारी होनी चाहिए नेक्स्ट थिंग इज वो प्रमोट करते थे टीम वर्क को कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक है वो ध्यान देते थे नॉलेज है वो इज मोर लाइकली टू बी रिटेन लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस ज्यादा समय तक चीजें याद रहती हैं जब हम चीजों को एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं स्टूडेंट की मोटिवेशन इंक्रीज होना इंटरेस्ट इंक्रीज uh, होना इज मोर इंपॉर्टेंट ठीक है एडेप्टेबिलिटी प्रेयर करते थे स्टूडेंट्स को अडैप्ट करने के लिए नई सिचुएशन एनकरेज करते थे अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी थ्रू द सोशल इंटरेक्शन और क्रिएट करते थे सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ठीक है अब इनमें कुछ लिमिटेशंस भी रही सबसे पहले तो वो रिक, आ, उनको रिक्वायर थे सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज और टाइम जिनकी उनको कमी हुई ठीक है नेक्स्ट थिंग इज वहां पे और था हमारे पास डिफिकल्टी टू असेस एक्सपेरिमेंट लर्निंग विद ट्रेडिशनल मेथड्स ठीक है लर्निंग आउटकम्स जो थे वो अनप्रिडिक्टेबल थे और डिफरेंटली वेरी करते थे अमंग द स्टूडेंट्स ठीक है टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी और के एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता था इसके लिए बट जो हमारा स्टैंडर्ड करिकुलम या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट थी उनके साथ ये कंफ्लिक्ट कर जाता था ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशन क्या है इसकी सो करिकुलम डिजाइन डिवेल्प करना करिकुलम को जो इनकॉपरेट कर सके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज के साथ टीचर्स जो थे वो फेसिलिटेटर की तरह काम करते थे रेदर देन द ट्रांसमिटर ऑफ द नॉलेज जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक और कलेबोरेटिव होनी चाहिए थी इसके अकॉर्डिंग और जो असेसमेंट मेथड था वो पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट्स की तरह होना चाहिए जहाँ पे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो और एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए ऑन गोइंग फॉर टीचर्स थ्रो दिस कंस्ट्रक्टिविज्म प्रैक्टिस अब बात करते हैं हम प्याजे की थ्योरी की प्याजे की थ्योरी ये कहती है कि जो कॉगोनेटिव डिवेलपमेंट की स्टेजेस हैं या लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज थ्रू द इंट्रेक्शन विद द एनवायरमेंट तो प्याजे फोकस करते थे कॉगोनेटिव डेवेलपमेंट के स्टेजेस पे और नॉलेज कंस्ट्रक्शन विद द एनवायरमेंट प्याजे कहते थे कि जो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है वो है एक मेंटल स्ट्रक्चर्स को बिल्ड अप करना थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और एक लर्नर को एक्टिवली एंगेज करना सराउंडिंग टू फॉर्म देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज अगर हम फीचर्स की बात करें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आती इस इसपे तो लैंग्वेज लर्निंग जो है लर्निंग है वो प्रोग्रेस होनी चाहिए स्टेजेस के जरिए ठीक है स्कीमा बिल्डिंग होनी चाहिए लर्नर जो है वो बिल्ड करें मॉडिफाई स्कीमा करें बेस्ड अपॉन देअर एक्सपीरियंस एक्टिविटी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी पे एम्फेसाइज किया गया और जो हमारी इंटीग्रेशन है न्यू इन्फॉर्मेशन की एग्जिस्टिंग स्कीमा में या फिर एडजस्ट करना किसी स्कीमा को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एक सिमुलेशन और एक्मोडेशन जो हमने पहले पढ़ा था उन चीज़ों पे फोकस आउट करो नेक्स्ट थिंग इज हमें मूव करना है सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग से टू द अंडरस्टैंडिंग अदर्स परसपेक्टिव ऑल्सो हमें कंस्ट्रक्ट करना है नॉलेज को खुद एक्सपीरियंस के थ्रू हमें अंदर से एक मोटिवेशन लेके आनी है ताकि हम क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीख सकें और हमें बैलेंस बना के रखना है असिमिलेशन और एकामोडेशन के अंदर द नेक्स्ट इज द एडवांटेजिज़ तो इसकी एडवांटेज ये थी कि ये प्रमोट करते थे डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ये कहते थे कि जो लर्नर्स हैं वो कॉगोनेटिव डेवलपमेंट स्टेज के साथ अलाइन होके चलें वो अलो करते थे लर्नर्स को कि वो प्रोग्रेस करें एट देयर ओन पेस वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलिटी को एनहांस करते थे उनका ये मानना था कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग इंकरेज होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए और एक इंडिविजुअल लर्नर अपनी नीड्स और अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ सके और उसके अंदर एक इंटरलर मोटिवेशन हो जिससे उसके बीच में इंटरेस्ट और क्यूरसिटी रहे लिमिटेशन इसमें ये थी कि स्टेजेस जो स्टेज थ्योरी थी उसमें लिमिटेशन थी वो हर एक इंडिविजुअल के साथ डिफरेंट डिफरेंट थी तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था सारी चीज़ों को फोकस आउट करना कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन थी क्योंकि इंप्लीमेंटली अगर हम लार्ज क्लासरूम पे करें तो हर एक स्टूडेंट की स्टेज अलग होती थी तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था असेसमेंट के बहुत सारे चैलेंजेस थे ट्रेडिशनल असेसमेंट जो थी वो कंस्ट्रक्टिविज्म आउटकम के साथ नहीं चल पा रही थी रिसोर्सेज चाहिए थे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ चाहिए थी जो कि एक कमी थी और टीचर्स को एक ट्रेनिंग चाहिए थी इस थ्योरी को चलाने के लिए जो भी हमारे पास अभी तक ट्रेन टीचर नहीं थे एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो करिकुलम डिज़ाइन जो था वो डिवेल्प किया जाएगा स्टेजेस के अकॉर्डिंग और एक्टिव एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए स्कीमा बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग क्रिएट करनी चाहिए हमें एक स्पोर्टिव इन्वायरमेंट जो इनक्रेज करे एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी को टीचर को एक्ट करना चाहिए एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर ताकि वो प्रोवाइड कर सके अप्रोप्रेट चैलेंज और स्पोर्ट और हमें असेसमेंट मेथड जो हैं वो लेके आने चाहिए जो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करें और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को दिखाएं सच एज अ ऑब्जर्वेशनल असाइनमेंट एंड लर्निंग जर्नल्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं कुछ मेथड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं हम उनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास मेथड है डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मतलब मेथड होता है एक नेचुरल मेथड जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिंपली एक मेथड के थ्रू बोल के सुन के रीड करके राइट करके ठीक है इसका गोल ये होता है कि आपको बच्चे को पढ़ाना है कम्युनिकेशन के थ्रू एक टारगेट लैंग्वेज एक नेचुरल वे में जैसे कि किसी को फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जा रही हो ठीक है इसका फीचर है कि इसमें कोई यूज़ नहीं होता स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज का जो टीचिंग होती है वो एंटायरली टारगेट लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होती है ये एम्फेसाइज करती है ओरल कम्युनिकेशन पे वो कैबुलरी और ग्रामर है वो वो लर्न की जाती है थ्रू द यूज ऑफ प्रैक्टिस एंड यूज और रियल लाइफ सिचुएशन और विजुअल एड जो हैं वो ऑफन यूज किए जाते हैं टू कन्वे द मीनिंग अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये इम्प्रूव करती हैं स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स की और अंडरस्टैंड करते हैं किसी लैंग्वेज को रियल टाइम में द सेकेंड पॉइंट इज ये नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग है जिसमें सिमिलरली जैसे हम बच्चे को उसकी फर्स्ट लैंग्वेज सिखाते हैं सिर्फ बोल बोल के और बच्चा सीख जाता है डायरेक्टली बिना किसी मतलब को समझाए वैसे ही सिखाते हैं ये वो रिटेंशन पे ध्यान देता है हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वर्ड्स और फ्रेजेस को रिमेंबर रखने में स्टूडेंट इसमें मोर अंगेज होते हैं क्योंकि वो एक्टिवली किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं क्लासरूम में और जो लेसनस होते हैं वो अंगेज हो अंगेजिंग होते हैं इंटरेक्टिव और डाइनमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जहाँ कि बच्चे इंटरेस्टेड बने रहें इंक्रीज किया जाता है स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस क्योंकि इसमें रेगुलरली बच्चे स्पीकिंग करके अपनी प्रैक्टिस को बिल्डअप करते हैं और ये रिड्यूस करता है नेटिव लैंग्वेज का यूज और इम्प्रूव करता है प्रोनासीशन ऑफ व स्टूडेंट अब इसकी लिमिटेशन की बात की जाए तो इसके लिए हमें हाईली स्किल्ड टीचर्स की नीड है जिन्हें फ्रिक्वेंटली कोई लैंग्वेज बोलनी आती चाहिए ये चैलेंज होता है बिगनर्स के लिए क्योंकि उनको अभी वो लैंग्वेज अच्छे से नहीं आ पाती तो उनको नेटिव लैंग्वेज की हेल्प नहीं मिलती है लिमिटेडली हम फोकस करते हैं रीडिंग और राइटिंग पे सिर्फ स्पीकिंग और लिस स्किल पे फोकस आउट किया जाता है ये सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है ये सभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लर्नर स्टाइल सूटेबल नहीं है एक लार्ज क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है और इसको इस मेथड के थ्रू पढ़ाने से हमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और कभी कभी एक इंसान के बीच में कन्फ्यूजन लेके आता है क्योंकि हम उन चीज़ों को समझाते नहीं हैं सिर्फ उनको सिखाते जाते हैं द नेक्स्ट इज अ रिसोर्स इंटेंसिव कभी कभी हमें ऐसे मटेरियल या रिसोर्सेज की ज़रूरत चाहिए होती है जिससे क्लास अंगेजी हो जाए बट वो चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है द नेक्स्ट इज अंग्वल मेथड ठीक है बायलिंगुअल का मतलब है कि बोथ नेटिव और जिस टारगेट लैंग्वेज को आप सिखाना चाहते हो उन दोनों को यूज करके बच्चे को पढ़ाना एक इसका एम होता है कि एक ब्रिज की तरह काम करना बिटवीन टू लैंग्वेजेस ठीक है ताकि बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज की हेल्प से एक दूसरी लैंग्वेज सीख सके ठीक है जैसे कि हिंदी की हेल्प से किसी को इंग्लिश सिखाना इसका फीचर है कि जो जो बोथ लैंग्वेजेज हैं वो क्लासरूम में बोली जाने वाली होनी चाहिए द नेक्स्ट इज अ ग्रामर और जो वोकेबुलरी है वो एक्सप सिखाई जाए बच्चों को थ्रू एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इमीडिएट ट्रांसलेशन हो जो इंश्योर करे अंडरस्टैंडिंग और एक फ्लुएंसी आए बोथ नेटिव एंड द टारगेट लैंग्वेज में अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या करता है क्लेरिफाई कर देता है बहुत सारे डिफिकल्ट कंसेप्ट को क्विकली क्योंकि हम उस चीज़ को उसकी नेटिव लैंग्वेज में समझा देते हैं और बच्चा उसको ईजिली समझ लेता है ये स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है क्योंकि स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और वो रट्टा मार रहा है क्योंकि उसकी नेटिव लैंग्वेज उसकी हेल्प कर रही होती है यह बैलेंस करता है बहुत ग्रामरटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल लैंग्वेज क्योंकि रेटिव लैंग्वेज उसकी हेल्प करती है ये एक स्टूडेंट के लिए एज अ ब्रिज काम करता है क्योंकि इसमें नेटिव लैंग्वेज का यूज़ होता है जो बच्चे की नॉलेज को गेन करने में हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल भी उसको आसानी से समझ आ जाते हैं क्योंकि वो उसको उसकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा दिए जाते हैं और ये बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज की हेल्प से आप किसी को कोई चीज सिखा सकते हो और इंकरेज करता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन स्टूडेंट ग्रेजुअली मूव करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज से टारगेटली लैंग्वेज की तरफ और ये लर्निंग को एक अच्छी तरीके से सिखाता है जिससे बच्चे की एनजाइटी टूवर्ड्स द न्यू लैंग्वेज रिड्यूस हो जाती है अगर हम बात करें लिमिटेशन्स की तो ये लिमिटेशन है क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली यूज़ नेटिव लैंग्वेज होती हैं वो इतने बच्चों को नहीं आती तो उसकी वजह से कभी ना कभी प्रॉब्लम बन जाती है या फिर आप किसी ऐसी नेटिव लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ा रहे हो कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको वो लैंग्वेज नहीं आती उसके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये एक ओवर रिलायंस हो जाती है आपकी नेटिव लैंग्वेज के ऊपर कई बार बच्चे उस चीज़ को नेटिव लैंग्वेज में ही याद रखते हैं और इंग्लिश में या किसी भी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसमें नहीं सीख पाते इसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस रिड्यूस हो जाती है टारगेट लैंग्वेज में क्योंकि हम उन्हें ज़्यादातर चीज़ें एक नेटिव लैंग्वेज की हेल्प से पढ़ाते हैं उनकी फ्रीवेंसी कम हो जाती है क्योंकि नेटिव लैंग्वेज एज अ ब्रिज उनका काम करती है हमें ऐसा टीचर चाहिए होता है जिसको दोनों लैंग्वेजेज आए कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है दोनों लैंग्वेज के बीच में और लेस इफेक्टिव होती है एडवांस लर्नर्स के लिए क्योंकि उनको आगे ही चीज़ें पता होती हैं तो उनके लिए टाइम वेस्टेज की तरह ही काम करती है और ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज लर्निंग एनवायरमेंट को क्रिएट नहीं करती क्योंकि नेटिव लैंग्वेज उस चीज़ को ख़त्म करने में हेल्प करती है द थर्ड वन इज अ टेक्स्ट बुक मेथड जो टेक्स्ट बुक मेथड का मतलब होता है वो होता है एक करिकुलम पे फोकस करना जो टिक टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किया गया है इन्वॉल्व करना एक सिस्टेमेटिक लर्निंग ऑफ लैंग्वेज या कंपोनेंट एक रिटन मटीरियल एक्सरसाइज एक्टिविटी की हेल्प से फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को नाउन सिखा रहे हो पर नाउन सिखा रहे हो कुछ भी सिखा रहे हो इंग्लिश में अब आप उसको सिर्फ उतना सिखा रहे हो जितना उसकी बुक के पीछे क्वेश्चन में दिया गया है नॉट नदर दैट थिंग आप उसको उतने ही इंग्लिश का वर्ड्स का मतलब समझा रहे हो जो उसकी बुक के किसी लेसन में दिए गए हैं तो दिस इज द बुक मेथड की उतनी ही लैंग्वेज सिखाना जितनी टेक्स्ट बुक या करिकुलम में दी गई है इसके फीचर्स हैं कि ये स्ट्रक्चर सिलेबस को फॉलो करती है ऑल लैंग्वेज स्किल्स इसमें डिवेल्प होते हैं रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिस्निंग

कवर अप करती हैं द नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट यूज करते हैं टेक्स्ट बुक फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी इन द टीचिंग एंड द लर्निंग एक रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आपको मिलती हैं प्रैक्टिस के लिए थ्रू आउट द बुक्स और रेगुलरली आप ट्रैक कर पाते हो स्टूडेंट की प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस और एक एग्जाम प्रेस में भी ये हेल्प करती हैं और क्वेश्चंस डाल के असेसमेंट करने की बच्चों में भी हेल्प करती हैं लिमिटेशन की बात करें तो ये बोरिंग बन जाता है कभी कभी क्योंकि हम टेक्स्ट बुक से वही चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाता क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में तो वही सेम क्वेश्चन होते हैं जो हर लेवल के बच्चे को करने होते हैं ये लिमिट कर देता है क्रिएटिविटी ऑफ अ टीचिंग क्योंकि टीचर्स को भी सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़ाने पर फोकस करना पड़ता है रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है जबकि स्पीकिंग और लिसनिंग पे भी होना चाहिए आउटडेटेड अगर कोई टेक्स्ट बुक हो तो वो आउटडेटेड चीज ही बच्चे को पढ़ानी पड़ती है स्पीकिंग और पे कम फोकस रहता है ओरल प्रैक्टिस बच्चे की कम होती है बच्चा एक पैसिव लर्नर बन जाता है और ये रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत कम यूज आती है अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें वो है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग मेथड है जो फोकस करता है टीचिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड द ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज ये यूज किया जाता है टीच करने के लिए क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि लेटिन और ग्रीक बट नॉट अप्लाइड इन द मॉडर्न languages एज वेल बट कैन also be अप्लाइड इन द मॉडर्न languages. इसके फीचर्स हैं कि ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करते हैं हम ट्रांसलेशन बिटवीन द नेटिव एंड द टारगेट लैंग्वेज करते हैं हम ग्रामेटिकल रूल्स और सिंटेक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और हम स्पीकिंग और लिस्टिंग स्किल पे लिटिल एम्फोसाइज करते हैं और वो कैबुलरी जो होती है वो लर्न की जाती है बाय मेमराइजिंग द वर्ड ऑफ अ लिस्ट रट्टा वाजे करके इसके नाम से आपको पता लगता है कि ये फोकस कर रहा है ग्रामर पे ये डिवेल्प करता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रामर की नॉलेज को ये वोकेबलरी को आपकी मेमोराइजेशन के थ्रू रट्टेबाजी में याद करा देता है अच्छे से क्लियरली और सिस्टमेटिकली आप किसी चीज को समझते हो आप अच्छे से रीडिंग और ट्रांसलेटिंग लिटरेचर को अंडरस्टैंड कर पाते हो ये बेनिफिट करता है उन लोगों के लिए जो लॉजिकल और एनालिटिक लर्निंग में अच्छे होते हैं ये क्लियरली एक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर में, में एक बच्चे को ईच लेसन पढ़ाया जाता है और एक एकेडमिक लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूजफुल है जिसमें बच्चा एकेडमिकली रीडिंग और राइटिंग को सीख सके और ये इजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एक लार्ज क्लासरूम में अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता बच्चे कभी कभी बोर फील करते हैं ये लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी पे ध्यान ना देते हुए फ्लुएंसी पे ध्यान ना देते हुए ग्रामेटिकल रूल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम हैवेली रिलाई हो जाते हैं एक नेटिव लैंग्वेज पे क्योंकि हम उसको ग्रामेटिकल रूल्स विद द हेल्प ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज पढ़ाते हैं और बच्चे स्ट्रगल करते हैं इसको रियल लाइफ कम्युनिकेशन में क्योंकि इसका प्रैक्टिकल यूजेज बहुत कम होता है ठीक है और हम फोकस करते हैं कल्चर एक्सपेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज और ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर द चिल्ड्रन नॉट सूटेबल फॉर द यंग चिल्ड्रन एंड इट इज़ लिमिटेड टू यूज़ फॉर द टारगेट लैंग्वेज इन द क्लासरूम

और डिटेक्टिव का मतलब है पहले उसकी एग्जाम्पल उसको अप्लाई करना रूल को फर्स्ट और फिर सॉरी लर्न करना उस रूल को ठीक है और फिर उसको अप्लाई करना इंडक्टिव होता है जैसे कि लर्नर जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं लर्न को प्रेजेंट किया जाता है कोई कॉन्टेक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ठीक है एंड देन दे इंटरफेयर द रूल्स ये एम्फेसाइज करता है ऑन डिस्कवरी एंड पैटर्न ऑफ रिकॉग्नाइज़ेशन और ये डीपर अंडरस्टैंडिंग लेके आता है थ्रू द एक्टिव एंगेजमेंट ये डिस्कवरी रूल्स पे हेल्प करता है बच्चे रूल्स को डिस्कवर कर पाते हैं चीजों को समझ पाते हैं एनालाइज कर पाते हैं एग्जाम्पल्स और पैटर्न को इंटरेक्टिवली किसी चीज को याद करते हैं स्टूडेंट मोर अंडरस्टैंड करते हैं रूल को और इट्स सिमिलर टू हाउ पीपल लर्न द लैंग्वेजेज नेचुरली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स और ये एक फ्लेक्सीबल अप्रोच uh, है फॉर ऑल काइंड ऑफ लर्नर्स स्टूडेंट इसमें प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को बाई आइडेंटिफाइंग द रूल्स एंड स्टूडेंट एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में दट लिमिटेशन इज ए ये टाइम कंज्यूमिंग है इसके लिए स्किल्ड टीचर की ज़रूरत है कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये लेग्स स्ट्रक्चर्ड है इसका अगर बात की जाए डिटेक्टिव मेथड की तो जो लर्नर होते हैं वो आ, उनको एक्सप्लेटली पहले हम रूल सिखाते हैं ठीक है फिर वो उस रूल को अप्लाई करते हैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के ऊपर और ये जो एम्फेसाइज करता है रूल लर्निंग एंड एप्लीकेशन पे करता है वहां पे पहले मेथड में हम बच्चा एग्जाम्पल से रूल निकाल लेता था ठीक है जैसे कि हम उसको एक बॉल को डब्बे में डाल के देते थे तो वो समझता था था कि ये इन है ठीक है अब अगर हम उसको पहले रूल सिखाते हैं कि भाई किसी चीज को अंदर डालना इन है तो फिर हम उसको एग्जाम्पल तक लेके जाते हैं ये होता है डिटेक्टिव इसका फीचर है जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों की बात करूँ जो इंडक्टिव होता है वो रूल्स आर डिस्कवर्ड बाय द लर्नर थ्रू द गाइडेड एग्जांपल्स एंड डिडक्टिव में रूल्स आर प्रोवाइडेड एंड द एग्जांपल्स आर क्रिएटेड बोथ मेथड्स आर कंबाइंड फॉर द बैलेंस्ड अप्रोच एडवांटेजेस की बात करें अगर डिडक्टिव में स्टूडेंट लर्न करते हैं रूल्स को डायरेक्टली डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं सिम्पलरी चीज़ों को समझ आते हैं इफ़ेक्टिवली लार्ज मटेरियल को कवर अप कर लेते हैं कुछ टाइम के अंदर एक ट्रेडिशनल मेथड है जो लार्ज क्लास के ऊपर सूटेबल है टीचिंग जो होती है वो डिटेल ग्रामेटिकल रूल्स में काम आती है एक क्लियर फ्रेमवर्क दिया जाता है लर्निंग में प्रपेयर किया जाता है स्टूडेंट को बेस्ड अपॉन द रूल बेस्ड एग्जाम और उनकी एक स्ट्रोंगर बेस एक ग्रामर को ले कर हम बिल्डअप कर देते हैं अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये कभी कभी बोरिंग बन जाता है क्योंकि सीधा रूल याद कर लेते हैं बच्चे उनको प्रैक्टिकली यूज करना नहीं मानते द नेक्स्ट थिंग इज अ प्रमोट रोट लर्निंग लर्निंगेज करते हैं रट्टाबाजी थिंकिंग को डिवेल्प नहीं करते स्टूडेंट माइट बिकम अ पैसिव लर्नर्स स्टूडेंट मे स्ट्रगल टू अप्लाई द रूल्स इन द रियल लाइफ क्योंकि उन्होंने रूल्स को सिर्फ रट्टा मारा होता है क्रिएटिविटी बच्चे की कम हो जाती है और वो फोकस करते हैं थ्योरी के ऊपर ज्यादा ना कि प्रैक्टिस के ऊपर ठीक है अब हम हाँ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू अ लैंग्वेज लर्निंग तो स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द लैंग्वेज लर्निंग फोकस करती है टीच करने में ग्रामर और रूल्स ऑफ लैंग्वेज को एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में एक स्टेप बाई स्टेप मैनर में स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सेंटेंस से और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स थिंग्स के तरफ मूव ऑन करते हैं इसका आइडिया होता है बेसिकली एक बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डिवेल्प करना और देन चीजों को इकट्ठे करके एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बच्चे को समझाना इसके मेरिट्स की बात करें तो सिस्टेमेटिक लर्निंग ही सबसे पहला बेनिफिट है क्योंकि उसको लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप मैनर में सिखाई जाती है द नेक्स्ट थिंग इज ये प्रिडिक्टेबल है ये कन क्लियर होता है कंसिस्टेंट रूल होते हैं इजिली बच्चे प्रडिक्ट कर पाते हैं सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर को और उनकी प्रीवियस नॉलेज में हम ऐड कर देते हैं कुछ नई नॉलेज फोकस करता है ये एक्यूरेसी पे करेक्ट ग्रामर यूसेज और एरर रिड्यूस करता है उनकी स्पीच और राइटिंग में इसका एक क्लियरली ऑब्जेक्टिव होता है और प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स का हमें पता होता है बच्चों को असेस करना बहुत इजी हो जाता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपको आसानी से मिल जाती है एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से होती है और कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं इसके लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनालाइजिंग थिंग्स को एनहांस करता है डीमेरिट की बात करें तो ये ग्रामेटिकल रूल्स पे फोकस करता है विदाउट एनी रियल लाइफ कॉन्टेक्सट और मेक इट हार्ड टू स्टूडेंट टू यूज इन द लैंग्वेज नेचुरली ये कभी कभी बार बार रिपीटिव होने के कारण बोरिंग बन जाता है लिमिटेड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस होती है क्योंकि हम बच्चों को चीज़ें सिखा रहे होते हैं ज़्यादातर हम इस पे रूल्स पे फोकस आउट कर देते हैं जो कभी कभी इस चीज़ को बोरिंग बना देता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बच्चों के लिए एनजाइटी स्ट्रेस बनती है क्योंकि वो सिर्फ रूल्स को रट्टा मार रहे होते हैं ये किसी कल्चरल एक्सपेक्ट्स को नेगेट कर देता है और ये इनफ्लेक्सिबल होता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता और बच्चे की उतनी अच्छी फ्लुएंसी भी नहीं बन पाती द नेक्स्ट इज अचुएशनल अप्रोच सिचुएशनल अप्रोच ऑफ अ लैंग्वेज होता है एक बच्चे को लैंग्वेज सिखाना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की हेल्प से ठीक है ये फोकस करता है ग्रामेटिकल रूल्स पे एंड स्टूडेंट लर्न हाउ टू यूज द लैंग्वेज इन अ स्पेसिफिक सनेरियो जैसे कि शॉपिंग करने गए हो तो कोई पैराग्राफ बोलो कुछ खाने गए हो तो कोई पैराग्राफ बोलो कुछ बात कर रहे हो किसी से तो डायलैक्ट फॉर्मेशन करो विद द हेल्प ऑफ द रियल लाइफ वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन ये अप्रोच हमारी फोकस करती है किसी को लैंग्वेज सिखाना प्रैक्टिकल चीज़ों की हेल्प से और डायरेक्टली उसकी रियल लाइफ चीज़ों पे एप्लीकेबल करवाना इसका सबसे बड़ा मेरिट यही है कि ये रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर अप होती है ये कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करती है स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं ये इंगेज करती है एक डायनेमिक और इंटरेक्टिव बिटवीन द स्टूडेंट इमिजिएटली इसको रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो कल्चरल अवेयरनेस होती है इसको अडेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन ठीक है इसमें हॉलिस्टिक लर्निंग होती है स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग सारा कुछ और एक बच्चे में अच्छी फ्लुएंसी भी बनती है अगर डीमेरिट्स की बात करें तो इसका लेस फोकस होता है एक्यूरेसी की तरफ ये ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो जो हैं वो आ, मतलब कि कम कभी कभी फोकस करते हैं एंड इट मे लेट टू द समटाइम लेस फोकस ऑन एक्यूरेसी ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स नेक्स्ट थिंग इज इसमें सिस्टेमेटिक प्रोग्रेशन का कम यूज़ किया गया है ठीक है ये कन्फ्यूजन कर सकता है कभी स्टूडेंट के बीच में अगर वो चीज़ों को अरेंज करके देखना चाहें तो द नेक्स्ट इज अस में रिक्वायर है हमारे लिए एक डिवर्स मटीरियल और सेटिंग जो चैलेंज होता है कभी कभी प्रोवाइड करना डिफ़िकल्टी होती है बच्चे को असेस करने में और नेक्स्ट है कि ये अप्लाई करता है टीचर की एबिलिटी के ऊपर क्या टीचर्स बच्चों को वैसी सिचुएशंस दे पाती है जिसके अकॉर्डिंग बच्चा सीख पाए कुछ के नहीं कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी कभी क्रिएट हो जाती हैं पोटेंशियल ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन जो सिचुएशन है वो ओवर सिंप्लीफाई कर देती है लैंग्वेज के यूज को और फुल्ली प्रपेयर नहीं करती स्टूडेंट को कभी कॉम्प्लेक्स इंट्रेक्शन के लिए और इनकन्सिस्टेंस कवरेज मे नॉट कवर ऑल द नेसेसरी ग्रामर्स एंड वोकेबुलरी रूल्स क्योंकि जब हम चीज़ों को बोल के सीखते हैं तो हम जितने भी ऑल ओवर हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स हैं हम उन सब पे फोकस नहीं करते आपको भी पता होगा हम सारी चीज़ों को ग्रामर के यूज़ नहीं करके चल रहे होते हम कुछ कुछ जो नेसेसरी होती है किसी सेंटेंस में उतनों को ही बोलते हैं तो वो कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर थ्री भी कम्पलीट होता है वन जीरो थ्री का वन जीरो uh, फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट वन जीरो थ्री है ऑलरेडी अपलोडेड है अगर अभी भी आपने वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको आप जाके देख सकते हैं सो बाय बाय एवरीवन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ